नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अप स्टॉक के ऊपर ट्रेड कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सबसे ऊपर जो प्लस का निशान दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका आप जो पुट लेना चाह रहे हो वहाँ पर पुट ले लीजिए, और कॉल लेना चाहते हैं तो वहाँ पर कॉल जो भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो जैसे कि मुझे आज ही जो है 36,000 की जो पुट है वो चाहिए। मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम यहाँ पे पुट बाय कर लेंगे। बाय करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या रेट चल रहा है, और रेट देखने के बाद हम सीधे जाएंगे ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले चार्ट देखेंगे कि इसका चार्ट कैसा बन रहा है। तो देखिए, चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है हमारे लिए, तो आई थिंक हमें यहाँ पे इसको बाय कर लेना चाहिए। तो बाय करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रेड के अंदर और यहाँ पे देखेंगे कि ये रेट चल रहा है। तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाना चाहे तो लगाइए। मैंने यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट का लिमिट ऑर्डर नीचे लगाया है। मैं चाहती हूँ 4-5 पॉइंट नीचे मिले मुझे, आप 10 पॉइंट तक लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया 240 रुपये का, और ये मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए लगा दिया, और वो एग्जीक्यूट भी हो गया। तो यहाँ देखिए, मैंने जैसे ही इस पर लिया ये माइनस में चलने लग गया। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार माइनस में चल रहा है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँ, और 2 मिनट के बाद ही आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होना शुरू हो गया है, 50 से 60 रुपये के बीच में चल रहा है, और ये देखिए प्रॉफिट चल रहा है और ये माइनस भी हो गया। तो ये प्रॉफिट और माइनस मार्केट का हिस्सा है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई लॉस हो रहा है तो मैं एग्जिट कर लूँ। तो लॉस, अगर आप एक ट्रेड के ऊपर लॉस कर रहे हैं तो आई थिंक 10 पॉइंट का होना चाहिए। तो 10 पॉइंट तक आप वेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर लॉस है तो आप एग्ज़िट कर लीजिए। अगर आप या मोबाइल से आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप एक बार बार ये देखते रहिए चार्ट क्या कह रहा है। जहाँ भी आपको लगता है कि ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आना लग गई है तो आप वहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं, नहीं तो आप देखते रहिए। क्योंकि जो इस चार्ट के ऊपर है जो तो जो लगा हुआ है ये सौदा, तो वो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही है, अपने फेवर में ही है। तो अभी यहाँ पे हम वेट करेंगे, और इसका जो टारगेट है, पहला टारगेट तो आपको दिख रहा है, उसके बाद अच्छा खासा 200-250 पॉइंट का टारगेट दे रहा है। लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टारगेट का लगा के रखा है कि पहला टारगेट ये है, दूसरा ये है। तो आप भी अगर ये टारगेट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, या बी पॉइंट के ऊपर। और ये मैंने जो पहले ही बताया था आपको ये टारगेट कैसे सेट किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और देखेंगे कि ये हमें कम से कम कितने पैसे दे रहा है। याद है कि हमारा जो लॉस है वो 200 रुपये से ऊपर होने लग गया। अभी चाहो तो यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हो, अगर आप में पेशेंस नहीं है, और नहीं तो देखते रहिए मार्केट को। मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, काफ़ी लोग रेट को देख के भाग जाते हैं और कैंडल्स देखते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कैंडल्स ग्रीन है, तो आप थोड़ा वेट करिए प्रॉफिट में आने के लिए। अगर आप वेट करते हो थोड़ा देर के लिए तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देके जाएगी। और मेरा तो ये मानना है कि अगर एक एक लॉट के ऊपर अगर आप 500 से 1,000 रुपये ही मिल रहे हैं तो लेके फटाफट बाहर आ जाइए, क्योंकि प्रॉफिट ऐसा होता है कि ज़्यादा देर टिकता नहीं है और फटाक से हम लॉस में आ जाते हैं। क्योंकि बड़ा प्रॉफिट मिलेगा नहीं, कम हमें चाहिए नहीं, तो सिर्फ हाथ में लॉस ही आता है। तो मेरा मतलब ये है, कुछ भी मिल रहा है मार्केट से, 200, 500, 1,000 जो भी मिला लेके बाहर आ जाइए। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो मार्केट काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूव दे सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप में थोड़ा सा भी पेशेंस है लॉस के लिए और प्रॉफिट के लिए तैयार है तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो वाइट लाइन है नेक्स्ट, तो यहाँ तक तो वो देगा ही। अब देखिए हम लोग प्रॉफिट में आने लग गए, और 100 से 150 रुपये हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस चलता ही रहता है। तो अभी आप देख लेते हैं कि ये देखिए हमारा माइनस में प्लस में चल रहा है। तो सर, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है सिर्फ मार्केट में, और कुछ नहीं है। अगर आप में थोड़ा सा पेन सहन कर सकते हो आप, तो काफ़ी अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी लोग बस थोड़ा लॉस हुआ और एग्जिट कर जाते हैं, तो उन लोग के लिए सोचने वाली बात है। अदरवाइज आप देखिए यहाँ पे हम सौदा कट करेंगे, हमें जो भी मिल रहा है फटाफट लेके आ जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको सिखाने के लिए है।
तो आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए केवल। दोस्तों चार्ट पे एकदम प्यारी निगाह रखिए आप, ऐसा नहीं कि आप ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, आपका निगाह सिर्फ चार्ट पे होनी चाहिए कि चार्ट कैंडल्स क्या कह रही हैं और ये आपकी फेवरेट सौदा है या नहीं। यहाँ देखिए हमें प्रॉफिट 100 रुपये के अंदर या 100 रुपये के आसपास ही हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 200 से 250 रुपये प्रॉफिट होगा या 300 के आसपास होगा, तो हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये जो नए लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा वेट करते नहीं हैं, इतना ही वेट करते हैं, तो ये जो वीडियो है नए लोगों के लिए है। तो आप देख रहे हैं कैंडल्स अभी भी बहुत पॉजिटिव है, अगर आप यहाँ वेट कर सकते हैं तो वेट करिए, अगर आपको यहाँ पे एग्जिट करना है 100-200 पॉइंट लेके तो आप एग्जिट कर सकते हैं। ये देखिए हमें 250 रुपये का जो प्रॉफिट है वो मिल रहा है, अब आप चाहो तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो या फिर वेट करिए एक अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए 240 में हमने लिया था और 250 के आसपास चला गया है, तो अब हम यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा पेशेंस से करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, सिर्फ इसमें पेशेंस की बात होती है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे अब इसको एग्जिट कर लेंगे और देखेंगे हमारा प्रॉफिट कितना है। ये स्क्वायर ऑफ करिए और ये सेल कर दिया। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। और अपस्टॉक पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन इसका फीचर्स है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।